नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा, समझते हैं? एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्लॉट, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, ब्लड क्लॉट का मतलब यहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म होगा, ठीक है? और वो नेटवर्क क्या करेगा, फर्दर ब्लड फ्लो होने नहीं देगा। तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ब्लीडिंग ना हो उसके लिए हमारे ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो क्या करेंगे, जहाँ पे रप्चर हुआ है या जहाँ पे ब्लड वेसल ब्रेक हुआ है, रप्चर हुआ है, वहाँ पे वो क्लॉट फॉर्म करेगा। क्लॉट फॉर्म होने का मतलब वहाँ पे नेटवर्क फॉर्म हो गया, ब्लड और वहाँ पर फ्लो नहीं हो पाएगा। हमें जो कहाँ प्रेजेंट है,
क्लास का फंक्शन याद है क्या है? Later.
बैक्टीरिया जैसे आए फॉर अटैक, राइट, तो हम कर रहे हैं मैक्रोफेजेस, अब इनका जीरो पास कर रहे हैं, ठीक है, कौन सामने आ गया, कौन मैक्रो मैक्रोफेजेस लार्ज ना, तो मैक्रोफेजेस, ओके, और ये क्या करते हैं, इससे पहले कि बैक्टीरिया इनके ऊपर अटैक करे और हमारा मैक्रोफेजेस रेडी, व्हेन द डेंगू से हमने बच जाते हैं, ठीक है, बस आ रहा है आगे मैक्रोफेजेस आगे आएगा आओ आगे
सेल क्या होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस से सुनिए। अब ध्यान दो, मैक्रोफेजेस आर लार्ज सेल्स व्हिच आर फेगोसाइटिक इन एक्शन। तो फेगो का मीनिंग समझे आपको, फेगो मतलब इनवॉल्व करना, साइट मतलब व्हाट, सेल्स, सेल्स हैविंग एबिलिटी टू एंगल्व बिकन। सबको आया समझ में, आगे चलते हैं। तो एडिपोसाइट लार्ज सेल इज व्हाट, एडिपोसाइट का मतलब होता है फैट, साइट मतलब सेल। तो वो सेल जो कि फैट सीक्रेट करते हैं, फैट स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं, तो उसे हम कॉल्ड एज एडिपोसाइट। आगे देखो, एडिपोसाइट्स आर यूजफुल इन स्टोरेज ऑफ फैट। सबको आया समझ में, एडिपोसाइट्स आर यूजफुल इन स्टोरेज ऑफ फैट, ओके। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। When fibers and cells are closely packed, it is known as dense connective tissue. वापस ध्यान देना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंस। वेन कब डेंस कब बोलते हैं, वेन सेल्स आर फाइबर्स एंड सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्या मतलब उसका, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के दो कंपोनेंट्स, ये सेल्स फेगोसाइट। तो हम क्या यूज करते हैं आपको, फेगोसाइट, फेगोसाइट तो हमको मतलब ही देखना पड़ेगा।
Which two companies are present in the market? दूसरी चलेगी नहीं नॉक नहीं तेरे को पकड़ दी
टचअप देने के लिए ना शुरू इस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन कोलेजन फाइबर अरे इस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन येलो फाइबर एचसीएल में व्हाट इज रोल एचसीएल में और ये वाले का कोलेजन का P1 फिजिक्स 1 पहले खाली है इससे अगर मैं फिजिक्स 1 खाली क्लासिफाई कर खाली ली थी ठीक है आप लोग जाओ मैं सारे कर एक्टिव आपको ये टर्म यूज करते हैं फेगोसाइटिक इन एक्टिव और एडिसाइट एडिपोसाइट